वेलकम गाइज अवर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने वॉच टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर 4000 घंटों का वॉच टाइम जल्द से जल्द पूरा कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग कि हमें कोशिश करनी है 5 मिनट से ज़्यादा ड्यूरेशन की वीडियो अपलोड करने की अपने यूट्यूब चैनल पर, और वो भी एक अच्छे कॉन्टेंट के ऊपर जो काफ़ी हेल्पफुल हो हमारे यूट्यूब ऑडियंस के लिए, जिससे हमारे यूट्यूब ऑडियंस कंटेंट किसी ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर होना चाहिए, जिससे हमारी ऑडियंस को वीडियो देखने में बोर फील ना हो और उसको अच्छा भी लगे। 5 मिनट से ज़्यादा की वीडियो अपलोड करने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि सपोज दैट अगर हम कोई वीडियो 2 मिनट से ज़्यादा की अपलोड करते हैं या फिर हम कोई 2 मिनट की वीडियो अपलोड करते हैं जिसको 100 पीपल देखते हैं वह भी पूरा, तो हमारे YouTube चैनल पर सिर्फ 200 मिनट्स का ही वॉच टाइम आएगा। और साथ ही साथ वहीं पे अगर हम 5 मिनट से ज़्यादा की अपने YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं या फिर 5 मिनट की वीडियो अपलोड करते हैं, तो उसको अगर सेम पर्सन यानी कि 100 लोग देखते हैं वो भी हाफ ड्यूरेशन में या फिर 50% लोग ही उसका पूरा देख पाते हैं, तो हमारे YouTube चैनल पर 250 मिनट्स का वॉच टाइम इंक्रीज़ होगा। तो पहला बेनिफिट ये है हमारे YouTube चैनल पर 5 मिनट से ज़्यादा की वीडियो अपलोड करने का। सेकंड थिंग कि अगर आपके चैनल पर वॉच टाइम अच्छा आता है तब आपको YouTube चैनल खुद से प्रमोट करता है, यानी कि अगर आपके YouTube चैनल पर काफ़ी अच्छा वॉच टाइम आ रहा है तो YouTube आपको खुद प्रमोट करेगा, जिससे आपके चैनल पर काफ़ी अच्छे सारे व्यूज़ आएंगे और साथ ही साथ में आपके YouTube चैनल के अच्छे से ग्रो होगी और सब्सक्राइबर भी जल्दी आप कंप्लीट कर पाएंगे, जिससे आपको मोनेटाइजेशन इनेबल करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। से उसके बाद में हमें करना है कि अपने YouTube चैनल की वीडियो का कॉन्टेंट अच्छा रखना है, थंबनेल अच्छे से बनाना है और टाइटल उसका अच्छे से लिखना है, साथ में ही उसके डिस्क्रिप्शन को भी अच्छे से हमें मेंशन करना है। हर दिन वीडियो बनाने से अच्छा है कि हमें हफ्ते में एक बार वीडियो बनाएं या फिर वीक में 1 वीडियो हम अपलोड करें, जिससे हमारे यूट्यूब चैनल पर जो ऑडियंस बनी हुई है उनका अटेंशन अच्छा हो, यानी कि वो हमारे यूट्यूब चैनल पर दोबारा से आए। अगर आप भी अपने YouTube चैनल पर कुछ ऐसी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, यानी कि हर दिन आप अपने YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं ये सोचकर कि एक ना एक दिन हमारी वीडियो वायरल हो जाएगी, और कुछ भी आप अपनी वीडियोस में बता रहे हैं आपको ऑडियंस को अच्छी नहीं लग रही है, आपकी ऑडियंस रिटेंशन अच्छा नहीं है, तो ऐसी वीडियो बनाने से अच्छा है कि आप वीडियो ना बनाएं। भाई वीडियो 1 वीक में चाहे 1 अपलोड करें अपने यूट्यूब चैनल पर, लेकिन वीडियो ऐसी होनी चाहिए कि आपका ऑडियंस रिटेंशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि YouTube हमारे चैनल का वॉच टाइम देखता है। अगर हमारे YouTube चैनल पर वॉच टाइम अच्छा है, हमारे चैनल पर ऑडियो ऑडियंस रिटेंशन अच्छी है, तो YouTube हमारे चैनल को खुद से प्रमोट करेगा, खुद से हमारी वीडियोस को वायरल करेगा। अगर आपकी वीडियोस पर ऑडियंस रिटेंशन अच्छी नहीं है तो YouTube आपके चैनल को कभी भी अपलोड नहीं करेगा, चाहे आप दिन की 2 वीडियो अपलोड करें या फिर 3 वीडियो अपलोड करें। वॉच टाइम ज़्यादा आने का एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आपके यूट्यूब चैनल पर वॉच टाइम ज़्यादा आएगा तो आपके यूट्यूब चैनल पर यूट्यूब खुद से एड्स भी ज़्यादा प्रमोट करेगा, यानी कि आपकी वीडियोस पर अगर ऑडियंस रिटेंशन अच्छा है तो यूट्यूब आपके वीडियोस पर एड्स भी लगाएगा, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से अर्निंग होगी। तो यहाँ पर मैटर करता है कि अगर आपका वॉच टाइम अच्छा है तो आपका चैनल जल्द से जल्द ग्रो होगा और सब्सक्राइबर भी बहुत जल्दी आप कंप्लीट करेंगे और बहुत जल्द आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आप मोनेटाइजेशन इनेबल कर सकते हैं अगर आपके यूट्यूब चैनल पर अभी तक मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हुआ है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नई वीडियो में।